नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ऑथेंटिक एक प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को डिजिटल कलेक्टेबल्स या एनएफटीज खरीदने और उनकी वैलिडिटी की जांच करने की सुविधा देता है, स्टेल्थ मोड से बाहर आ गया है और टेमासेक द्वारा स्थापित एक वेंचर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म मिनालिया के नेतृत्व में $4 मिलियन की सीड फंडिंग राउंड की घोषणा की है। फंडिंग में ऑथेंटिक को अपना यूजर बेस और प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी का लक्ष्य डिजिटल कलेक्टेबल्स को वेब थ्री वॉलेट या एक्सचेंज तक पहुंच की आवश्यकता के बिना यूजर्स को खरीदने में सक्षम बनाकर अधिक सुलभ बनाना है। ऐसा करने के लिए इसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो इन कलेक्टेबल्स को एक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है जो इन्हें लजारा जैसे एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है। फिर कलेक्टेबल्स का उपयोग गेम और एप्स में फीचर्स को अनलॉक करने के लिए किया जा सकता है। ऑथेंटिक उन ब्रांड पार्टनर्स के लिए डील्स पेश करने की योजना बना रहा है जो वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं। कंपनी उनके डिजिटल कलेक्टेबल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि इन्हें प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर्स पर खरीदा जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असैसिन क्रीड और रेनबो सिक्स सीज पब्लिशर यूबीसॉफ्ट इस बार क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर और गेमिंग कंपनी इम्यूटेबल के साथ वेब थ्री गेमिंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए ब्लॉकचेन गेमिंग में आगे बढ़ रहा है। एक स्टेटमेंट के अनुसार यूबीसॉफ्ट और इम्यूटेबल मिलकर एक नया गेमिंग एक्सपीरियंस बना रहे हैं जो वेब थ्री की क्षमता को और उजागर करेगा। इम्यूटेबल एक्स लेयर 2 ब्लॉकचेन के पीछे की फर्म है जिसका उपयोग गॉड्स अनचेंज्ड और गिल्ड की गार्डियंस जैसे अन्य गेम भी अपने एनएफटी इंटीग्रेशन के लिए करते हैं। यूबीसॉफ्ट स्ट्रेटेजिक इनोवेशन लैब वीपी निकोलस, जो यूबीसॉफ्ट की ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स का भी नेतृत्व करते हैं, ने एक स्टेटमेंट में कहा कि उनका मानना है कि इम्यूटेबल गेम डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट में क्रिप्टो एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए सीमलेस इंटीग्रेशन प्रदान करता है। इम्यूटेबल CEO और को फाउंडर जेम्स फर्ग्यूसन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि दोनों कंपनियां कोलैबोरेशन के माध्यम से प्लेयर्स को डिजिटल ओनरशिप की पेशकश करेगी। ये घोषणा इस बारे में कुछ डिटेल्स प्रदान करती है कि वास्तव में क्या बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट एक नया ब्लॉकचेन गेम हो सकता है। डेवलपमेंट में एग्जिस्टिंग यूबीसॉफ्ट गेम में एक इम्यूटेबल इंटीग्रेशन हो सकता है या ये कलेक्ट टू अर्न प्रोजेक्ट जैसा एक प्रकार का गेमीफाइड एक्सपीरियंस हो सकता है जहाँ एक सिंपल गेमिंग इंटरफेस प्लेयर्स को एनएफटी अर्जित करने का मौका प्रदान करता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। लक्जरी फैशन हाउस गुची ने द सैंडबॉक्स वर्चुअल वर्ल्ड गेम में गुची कॉस्मोस लैंड की शुरुआत करते हुए लंदन में अपनी अकाइवर एग्जीबिशन को मेटावर्स में लाया है। कंपनी ने बुधवार को घोषणा की कि डिजिटल एक्सपीरियंस विजिटर्स को एक इंटरैक्टिव जर्नी के माध्यम से दशकों के गुची हिस्ट्री और आइकॉनिक डिजाइंस का पता लगाने की अनुमति देता है। द सैंडबॉक्स के CEO और को फाउंडर सेबास्टियन बॉगेट ने घोषणा की कि गुची कॉस्मोस लैंड फैशन और हिस्ट्री लवर्स के लिए दुनिया में कहीं से भी आइकॉनिक लंदन बेस्ड एग्जीबिशन तक पहुँचने का एक नया तरीका है। ये विजिटर्स को गुची के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इमर्स होने की अनुमति देगा। ओरिजिनली आर्टिस्ट एस डेवलिन द्वारा कल्पना की गई और मारिया फ्रीजा द्वारा अकाइवल गुची डिजाइंस के साथ क्यूरेट किया गया गुची कॉस्मोस लैंड रियल वर्ल्ड कॉस्मोस एग्जीबिशन को उजागर करता है। वर्चुअल एक्सपीरियंस यूजर्स को विभिन्न दशकों और थीम्स में फैशन हाउस की क्रिएटिव लेगेसी के माध्यम से प्रेरित करता है। खिलाड़ी दुनिया भर में पार्क करके गुची के प्रिंसिपल्स, इंस्पिरेशंस और क्रिएटिविटी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रिंसिपल्स के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं और आर्काइवल डिज़ाइन की खोज भी कर सकते हैं जिनमें से कुछ पहले प्रदर्शित नहीं किए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 26 अक्टूबर को हांगकांग मॉन्टनेट टेक के इंक्यूबेटेड प्लेटफॉर्म मेटामॉन्ट लिमिटेड ने प्लेटफॉर्म के डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पर एक ऑनलाइन लॉन्च के माध्यम से अपने सी स्पेस प्लेटफॉर्म पर पहली एनवायरमेंटली थीम्ड मेटावर्स 3 एसेट आर्ट प्रोडक्ट एम्बेयर सीरीज जारी की। फिजिकल एम्बेयर चाइना की मिलेनियम प्रोक्लेन कैपिटल ड्रिंक जेडिन की ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और सेरेमिक मटेरियल का उपयोग करके बनाया गया है जिसे एक ब्लाइंड बॉक्स फॉर्मेट में 3 फॉर्म्स के इंटीग्रेशन को प्राप्त करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। ये आर्टवर्क आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो स्पेस प्लेटफॉर्म पर 3000 पीसेस के ग्लोबल लिमिटेड एडिशन के साथ सेल के लिए अवेलेबल है और वे फ्यूचर सेकेंडरी ट्रांजैक्शन में इनडिविजिबल होंगी। ओवर टू यू रोशनी। क्रिप्टो एक्सचेंज बिटगेट ने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज एप्लीकेशन के डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एग्रीगेटर को इंटीग्रेट किया है जिससे यूजर्स को टोकन को स्वैप कर सकते हैं और अपने वेब थ्री वॉलेट के माध्यम से डीफाई सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। बिटगेट के अनुसार इस प्रयास का उद्देश्य यूजर्स को एक्सचेंज में अपनी क्रिप्टो एसेट के ट्रेडिंग के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करना है।
बिटगेट के मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रेसी चेन के अनुसार ऐप में धीरे धीरे नॉन कस्टडी वॉलेट, NFT मार्केटप्लेस और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सहित अन्य सर्विसेज भी शामिल होंगी। बिटगेट ने रीसेंट अनाउंसमेंट पे इस बात पर प्रकाश डाला कि नया इंटीग्रेशन वॉलेट सेक्टर में अपने बिजनेसेस का विस्तार करने के व्यापक कदम का हिस्सा है। बिटगेट के अनुसार ये कंपनी को उसके यूजर्स को एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज और नेटिव स्टोरेज की पेशकश करने में अनुमति देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।